अनोखे हिंदुस्तान को खोजने की कोशिश। मगर ये कोशिश जब कुदरत से टकराई तो इधर तूफान था, उधर हजारों फीट गहरी खाई। हम जा रहे थे वहां जहां 135 करोड़ की आबादी में कुछ बिरले ही पहुंच पाए हैं। बर्फीले पहाड़ों की सनसनाती हवाएं सीना चीर कर गुजर रही थी। दिल की धड़कनें पानी की हलचल से भी तेज थी। जान हलक में थी और एक एक कदम मीलों से लंबा था। हम उत्तराखंड में थे, गढ़वाल के किसी ऊंचे, बहुत ऊंचे पर्वत पर। भिड़ रहे थे बर्फीले तूफान से और ढूंढ रहे थे पांडव सेरा का रास्ता। नाम फिर से सुन लीजिए, पांडव सेरा, क्योंकि इस कहानी के बाद ये नाम न कभी हम भूल पाएंगे न आप भूल पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। मुझे कुछ नहीं पता इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, कितनी ऊंचाई पर मौजूद हूं, मुझे कहां जाना है और आगे कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जहां मुझे जाना है उस जगह को आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसी जगह जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। उस जगह पर आज तक सिर्फ कुछ पर्वतारोही और साधु संत ही पहुंचे हैं। उनके मुताबिक इस पहाड़ी से कोसों दूर हिमालय की गोद में एक ऐसी जगह है जहां पे प्राचीनतम हथियार रखे हैं, 5000 साल से भी पुराने भारी भरकम हथियार। साधु संतों के मुताबिक ये हथियार पांडवों के हैं। पर्वतारोहियों का तो ये भी कहना है कि वो जगह स्वर्ग सा सुंदर है। उस वक्त मैं थक कर दूर हूं और मैं यही सोच रहा हूं कि जिस जगह तक आज तक कोई आम इंसान नहीं पहुंच पाया वहां मैं अपनी टीम के साथ कैसे पहुंच पाऊंगा। जो अब तक है अदृश्यम, चलिए ढूंढते हैं और उसे बनाते हैं दृश्य। कहां है पांडव सेरा? क्या है पांडव सेरा? आगे क्या हुआ, क्या मिला, क्या दिखा? इसके लिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से असल में शुरू हुई थी। कहानी वहां से शुरू होती है जब पांडव सेरा का नाम हमने भी पहली बार सुना था। कुछ पर्वतारोहियों ने हमें कुछ तस्वीरें भेजी और हिमालय की ऊंचाई पर एक जगह के बारे में बताया। कहा उत्तराखंड में एक रांसी नाम का गांव है जिसके बाद एक छोटा सा कस्बा आता है गुंडार, और यहीं से पैदल चढ़ाई शुरू होती है। करीब 4 दिन यानी 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक बेहद खूबसूरत और वीरान जगह मिलती है, पांडव सेरा और नंदी कुंड। पर्वतारोही कह रहे थे कि उस जगह पर कुछ हथियार रखे हैं, अलग अलग किस्म की तमाम तलवारें, भाले, गदा, तीर कमान, यानी प्राचीन काल के भारी भरकम हथियार। वजन इतना है कि कोई आम इंसान उन्हें आसानी से उठा भी नहीं सकता। कुछ दंत कथाएं कहती हैं कि ये हथियार महाभारत काल के हैं, पांडवों के हैं, जो स्वर्ग जाने से पहले उन्हें पर्वतों पर छोड़ गए थे। थोड़ी हंसी आई, अचंभा भी हुआ, लेकिन उस जगह पर जाने की दिलचस्पी बढ़ने लगी जो आज तक दुनिया की नजर से दूर है। अगली सुबह हम उत्तराखंड के रास्ते पर थे।
और बढ़ रहे थे रांसी गांव की तरफ, जहां से हमें 5 दिन ऊपर पहुंचने में लगेंगे और 3 दिन वापस लौटने में। सोचा, जो होगा देखा जाएगा, जो तैयारी करनी होगी कर लेंगे। मुश्किलें आएंगी तो आएंगी, लेकिन हम किसी भी कीमत पर खोज कर लाएंगे हिमालय की गोद में छिपे उस अद्भुत दृश्य को। इस वक्त हम ऊखीमठ तहसील के रासी गांव में पहुंच चुके हैं और यहां पहुंचने के बाद सड़क मार्ग बंद हो जाता है। ये बताया गया है कि यहां से उस अदृश्यम तक पहुंचने के लिए तकरीबन 40 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ती है और ये यात्रा बहुत आसान नहीं है। कहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए तमाम पहाड़ों, बर्फीली वादियां, नदी, झरने, ये तमाम पार करने पड़ते हैं और इतना ही नहीं, कुदरत के साथ भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन हमें तलाश है उस अदृश्यम की, तो जो अब तक है अदृश्यम, आइए चलिए ढूंढते हैं और बनाते हैं दृश्यम। जो सोचकर आए हैं वो मिलेगा भी या नहीं? मिलेगा तो कहां मिलेगा? जहां पहुंचना अब तक नामुमकिन सा है, वो मुमकिन कैसे होगा? इसके लिए जरूरी था रांसी गांव के लोगों से मिलना। यहां आए तो हर जबान पर एक ही कहानी थी, पांडव सेना और वहां रखे प्राचीन हथियारों की कहानी। बड़े बड़ी तलवारें मिलेंगी, छोटे छोटे बर्छे मिलेंगे और फरसे वगैरह, वो सारी चीजें मिलेंगी। ये बताइए, ये जो कहते हैं कि वहाँ पांडवों के हथियार रखे हुए, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो जो ना हमने भी किताबों में पढ़ा है और देखा भी है। देखा है? देखा है, हम गए थे वहाँ, थे वहाँ। कब गए थे? हम तो 83 में गए थे, उस टाइम देखा था। मतलब लगभग 40 साल पहले। उस टाइम तो थी वहाँ पर, मूर्तियाँ थी, तलवारें थी। आम तलवारें हैं या ऐसा लगता है कि ये आज की तलवारें नहीं है, वो पुरानी टाइप की तलवारें हैं। क्या साइज क्या होगा? तकरीबन 3-4 फीट एक तलवार, 4 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 2.5 फीट, ऐसी अलग अलग साइज की। पांडव सेरा में जो है, तब पांडवों की जो है वहाँ लीला है, इनका मंदिर भी है छोटा। ये बताइए कि उतनी ऊंचाई पे तलवार का मतलब समझ में नहीं आता, क्या कहानी होगी उसके पीछे? अभी ऐसे बताते हैं जो है पांडवों को जो है ने लास्ट टाइम पर वो कहाँ आए थे, नंदी कुंड में आए थे, अपने हथियार वहाँ लेके अपने बाहर हिमालय पर चले और स्वर्गवास हो गए। हम अब तक बस इतना समझे थे कि हिमालय की गोद में कहीं एक अद्भुत कुंड है और कुंड के आसपास विशालकाय हथियार रखे हैं। लोगों को लगता है कि वो हथियार पांडवों के हैं, महाभारत काल से है, वो भी एक ऐसी जगह पर जिसे कई दंत कथाओं में स्वर्ग जैसा सुंदर बताया गया है। अरे बहुत सुंदर दिखाई देता है भाई, पांडव सेना से। बातों बातों में पता चला रांसी गांव के पूर्व फौजी कैप्टन लक्ष्मण सिंह पवार 40 साल पहले पांडव सेना तक पहुंच चुके हैं, उन हथियारों और उस जगह को अपनी आंखों से देख चुके हैं। उनके पास वहां के मुश्किल रास्तों का एक नक्शा भी है। अभी अपने आप अब बुलबुती पर जाना पड़ेगा, अगर आप यहां से राशन रखेंगे, पानी रखेंगे, तो आप वहां पहुंच सकते हैं, बकाये जो है असंभव है। कई नदियां हैं, कई नाले हैं, कई पत्थर है, कई पेड़ है, तो जाना जो है संभल के। कुदरत का कोई भरोसा नहीं, कब क्या होता है, कहीं कभी बर्फ पड़े, कभी ओले पड़ेंगे, तो इन सब कठिनाइयों को पार करने के बाद चलना पड़ेगा। कह रहे हैं कैप्टन साहब कि इन सब कठिनाइयों को पार करने के बाद हमें चलना पड़ेगा, लेकिन कैप्टन साहब से मिलने के बाद एक काम तो हुआ है। कैप्टन साहब जब 1983 में उस अदृश्यम तक पहुँचे थे, तो इन्होंने वहाँ जाने का एक नक्शा बनाया था,
ये नक्शा हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी और तकरीबन 40 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। पांडव सेरा तक पहुंचने का हमारे पास सिर्फ एक जरिया था, ये 40 साल पुराना नक्शा। आज ये नक्शा कितना सटीक है न वो कुछ जानते थे न हमें कुछ पता था। नक्शा बस ये बता रहा था कि इस गांव के बाद से हमें 5 दिन तक पर्वतों के आड़े तिरछे रास्तों पर चलना होगा, न कोई बस्ती मिलेगी न कोई इंसान। आठ दिन का राशन, टेंट, छड़ी, टॉर्च, पूरे इंतजाम के साथ हमारी टीम आगे के सफर पर निकल पड़ी। दुर्गम रास्तों पर मदद के लिए 3 स्थानीय पोटर भी हमारे साथ थे। आंखों के सामने बेहिसाब खूबसूरती थी। हल्की ठंड और तेज धुंध के बीच सफर अब तक कोई खास मुश्किल नहीं लग रहा था। दिमाग में सवाल भी आया कि सब कुछ इतना आसान है तो अब तक वो जगह दुनिया ने देखी क्यों नहीं। अगर वाकई वहां प्राचीन काल के हथियार हैं तो अब तक उसकी पड़ताल क्यों नहीं हुई। फिर सोचा, इतना दिमाग क्यों लगाना, शायद उस दृश्यम को देश के सामने लाना हमारी किस्मत में ही लिखा हो। रास्ते में छोटी मोटी मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए हम बढ़ते जा रहे थे। एक पल में रास्ता भूलते तो दूसरे पल नई पगडंडी मिल जाती। कुछ दूर चले तो एक साधु से मुलाकात हुई। हमारी जिद देखकर वो भी हमारे साथ हो लिए और कारवां बढ़ गया। जहां जगह मिली पेट भर लिया, जहां ठिकाना मिला ठहर गए। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, तीसरा। हम लगातार चलते जा रहे थे बस इस उम्मीद में कि आने वाली सुबह हमें मंजिल के और करीब ले जाएगी। लेकिन चौथे दिन की सुबह तक जिस्म थकान से टूट चुका था, कदम लड़खड़ा रहे थे, भयंकर ठंड में खून जमने लगा था, लेकिन मंजिल अब भी बहुत दूर थी। जैसे तैसे हमने हिम्मत जुटाई और चौथे दिन की चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ देर चले ही थे कि कुदरत ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया और वो हुआ जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। अब तक हो रही हल्की फुल्की बारिश अचानक बर्फबारी में बदल गई। बर्फ पड़ रहा है। बर्फीली बारिश के बीच इन पगडंडियों पर चलना कितना बड़ा जोखिम था, शायद ये तस्वीरें भी नहीं बता पाएंगी। देखते देखते पूरा पर्वत बर्फीले मैदान में तब्दील हो चुका था और आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। रांची जिस बेस कैंप से हम चले थे वहां से तकरीबन 4 दिनों की यात्रा करने के बाद अब हम कहां पहुंचे हैं ये हमें मालूम नहीं। हमें अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर बर्फबारी ने हमारा रास्ता रोक लिया है और हमने यहीं पे अपना टेंट लगाया है। बताया ये गया है कि बस अब यहाँ से कुछ ही दूर है वो जगह जहाँ पे मिलते हैं पांडवों के वो तमाम प्रमाण, जहाँ पे ये कहा जाता है कि पांडव वहाँ खेती करते थे, जहाँ आज भी पांडवों के वो हथियार हैं। पता नहीं वो हैं भी या नहीं, अभी तो प्रकृति और कुदरत के साथ हमारी लगातार जद्दोजहद जारी है
हर एक कदम पर जिंदगी और मौत की बात सामने आई। भयंकर बर्फबारी के बीच हमने बमुश्किल वो रात गुजारी। अगली सुबह हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन अब तक के सबसे बड़े दृश्यम की जिद में दोबारा ताकत जुटाई और आगे की चढ़ाई शुरू कर दी। आगे का रास्ता इतना मुश्किल हो चुका था कि पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। कहीं झरनों को चीर कर गुजरना था, कहीं बर्फीली चट्टानों को फांद कर बढ़ना था। सांस उखड़ती जा रही थी और आंखों की रोशनी धुंधली। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई। हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास का पैर लड़खड़ाया और बात जान पर बनाई। किस्मत मेहरबान थी, वरना हजारों फीट गहरी खाई के मुहाने पर कुछ भी हो सकता था। इस हादसे में श्रीनिवास का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन आगे बढ़ने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। गिरते पड़ते हम आगे बढ़ ही रहे थे कि नई मुसीबत गले पड़ गई। तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर हमें एक जंगली जानवर दिखाई दिया। गौर से देखा तो एक पहाड़ी भालू हमारा रास्ता रोके खड़ा था। हमें इस बात का तो पूरा अनुमान था कि रास्ते में बहुत तरह की कठिनाइयां आएंगी, बहुत तरह के खतरों से सामना होगा, लेकिन अभी अभी जिस खतरे से सामना हुआ है, ठीक हमारे सामने एक, देखिए उधर जंगली भालू बैठा है और हम सब लोग यहाँ पे चुपचाप बैठ गए हैं। सामने आ जाए तो हमला कर देगा सर। तो हमें क्या पता जंगल में अभी वो इधर नीचे की तरफ भी आए, ऊपर भी आ सकता है। ऊपर भी आ सकते, उससे गारंटी नहीं है, ऊपर भी आ सकता हूँ। तो इन तमाम बाधाओं को पार करना होगा उस अदृश्यम को दृश्यम बनाने के लिए। हालांकि अब हम पांडव सेरा से बहुत ही करीब हैं, हमें ये बताया गया है कि एक चढ़ाई के बाद नीचे पांडवों का वो इलाका आ जाएगा जिसे पांडव सेरा कहते हैं और जिसकी हमें तलाश है। खतरा टला तो हम फिर बढ़ चले और अगले ही मोड़ पर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि मंजिल की पहली झलक हमारे सामने थी। कदमों में तेजी आ चुकी थी, सांस काबू में आने लगी थी। अब तक जो कुछ भी झेला था वो जहन से मिटने लगा था और सामने वाली चोटी पर सफर का आखिरी पड़ाव हमारे इंतजार में था। आज उस मंजिल की पहली झलक हमें मिली है। हम अपने कैमरा सहयोगी अजय को कहेंगे कि पीछे दिखाएं। ठीक हमारे सामने वो जो मैदान सा दिख रहा है, ये पांडवों का इलाका है। अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं पर रहते थे। वो जो मैदान आपको हमने दिखाया, उस मैदान को पांडव सिरा कहते हैं और सिरा का मतलब गढ़वाली में खेत होता है। तो यहाँ के लोग ये दावा करते हैं कि ये पांडवों का खेत है और यहाँ पे आज भी धान के पौधे मिलते हैं। और इन बर्फीली चोटियों के नीचे अगर धान के खेत हों तो शायद कहीं ना कहीं विज्ञान के लिए ये चुनौती है। क्या इस मौसम में धान की खेती की जा सकती है? हम समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर थे। एक खुला मैदान हमारे सामने था। जगह सुरक्षित लग रही थी तो हमने यहीं कैंप लगाने का फैसला किया। लेकिन आसपास घूमते टहलते हमें कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना असंभव था। कुछ ऐसा जो वनस्पति विज्ञान को ही चुनौती दे रहा था। इस घनघोर वीराने में बर्फीली वादियों के बीच
धान की खेती दिखाई दे रही थी। फसल के बीच सिंचाई का पूरा इंतजाम था, जैसे किसी ने करीने से नहर का जाल बनाया हो। सब कुछ वैसा ही था जैसे दंत कथाओं और किस्से कहानियों में बताया गया था, जो ये कहती हैं कि इस जगह पर पांडव लंबे वक्त तक रुके थे। और धान की ये खेती पांडवों ने ही शुरू की थी। तब से आज तक न कोई बीज बोता है न सिंचाई करता है, लेकिन फिर भी ये फसल युगों से ऐसे ही लहरा रही है। और दृश्यम को दृश्यम बनाने की कड़ी में एक और तस्वीर। जी हाँ, पांडव सेरा में खेती कैसे होती है? धान की खेती के लिए तो बहुत पानी चाहिए होता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे सिस्टमेटिक तरीके से नहरों का जाल है। चारों तरफ करीने से नहर बनी हुई है, देख लीजिए आप ये नहर। लेकिन ये पता नहीं कि ये पानी किधर से आता है। जहां भी जाएंगे आपको लगेगा कि ये नहर कहीं से आ रही है। और इसी नहर से पांडवों के खेत यानी कि पांडव सेरा में धान की खेती होती है, जो विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये दूसरी तस्वीर थी जहां हमने एक अदृश्यम को फिर से बनाया है दृश्यम और ले चलेंगे। मालूम है ना जहां रखे हैं पांडवों के प्राचीनतम हथियार। भी दिख रहा था वो अद्भुत था। हमें उन दंत कथाओं पर यकीन तो नहीं था, लेकिन हमारे गाइड पूरी शिद्दत से उन किस्से कहानियों को सच मान रहे थे। प्रकृति ऐसा नहर नहीं बना सकती, ऐसा लग रहा है किसी मनुष्य ने बनाया है। तो क्या क्या है इसके बारे में, क्या कहते हैं? इस नहर के बारे में कहा जाता है कि ये पांडवों में जो भीम थे, भीम ने हल चलाया इसमें, तो इस वजह से ये नहर बन गई। लेकिन अब तो पांडव है नहीं, लेकिन तब भी धान की खेती होती है। कौन बो जाता है धान यहाँ? यही थोड़ा सा मन में डाउट करता है कि एक्चुअली अपने आप ही कैसे हो जाते हैं। तो हो सकता है कुछ अभी भी है पांडवों की कुछ अदृश्य जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पांडव अभी भी यहाँ आते हैं और धान की खेती करके चले जाते हैं? हो सकता है, नहीं तो कौन बोएगा यहाँ? वैज्ञानिकों के लिए एक सवाल है। ये कहते हैं पहाड़ के लोग हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, ये कहते हैं हमें पता नहीं, हो सकता है हो जाता होगा, लेकिन समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई और धान की खेती, जहाँ पे आप देखिए ना सामने, देखिए कैसे बर्फ दिख रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और इस नहर में पानी बहता जा रहा है। और एक चीज और मैं बताना भूल गया था, इस नहर में नीचे रेत है। भैया राकेश जरा दिखाना नीचे से निकाल के। ये देखिए, जैसे आप मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश में किसी धान के खेत के बगल में गुजरते हुए नहर में हाथ डालेंगे तो ऐसे ही रेत बाहर आता है। और 5000 मीटर की ऊंचाई पर रेत नहीं मिलते, या तो चट्टान मिलते हैं या फिर बर्फ ही बर्फ। जो भी था हैरत अंगेज था, लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं थी। हमें नंदी कुंड जाना था। प्राचीन योद्धाओं के वो हथियार तलाशने थे जो सदियों से वहीं मौजूद हैं। हमारी जिद और उम्मीद दोनों बढ़ चुकी थी। यहाँ पांडव रहते थे, अभी भी उनके हथियार हैं यहाँ कहीं आसपास। ढूंढेंगे ना उसे? ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे उनको। ढूंढ लेंगे। भाई भी अदृश्यम को दृश्यम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी एक तो। मिल जाएंगे वो हथियार? मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल वो जाएंगे। अदृश्यम बन जाएगा, दृश्यम बन जाएगा सर। पूरी टीम खुशी से झूम रही थी, क्योंकि अगली सुबह हम वहां पहुंचने वाले थे जहां पहुंचना अब तक नामुमकिन माना जाता रहा। लेकिन ये खुशी बस कुछ देर की मेहमान थी। मौसम फिर बेईमानी कर रहा था, बर्फ और कोहरे ने हमें फिर घेरना शुरू कर दिया। और हमें बीते 5 दिन की कहानियां फिर याद आने लगी। इस वक्त हम कहां हैं ये हमें मालूम नहीं, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि आज से 5 दिन पहले हम अपने बेस कैंप रांसी गांव से चले थे और 2 दिन के बाद हम मध्य महेश्वर पहुंचे थे।
उसके बाद जब हमने आगे की चढ़ाई शुरू की तो हमारा रास्ता बर्फीली तूफानों ने रोक लिया। खैर, जब बर्फीली तूफानों ने हमारा रास्ता छोड़ा तो फिर हम वहां से आगे बढ़े और समुद्र तल से तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई पे खाचरी खाल पहुंचे। लेकिन वहां से जब हम और आगे बढ़े तो रास्ता बहुत ही दुर्गम होता गया। आज तो ऐसे कई मौके आए जब ये लगा कि शायद हम आगे नहीं जा पाएंगे। खतरनाक चढ़ाई पे हमारा पैर फिसला और आप कह सकते हैं कि हमारी किस्मत थी कि हम नीचे हजारों फीट खाई में जाने से बच गए। और ऐसे ही कई मौके हमारे कैमरा सहयोगी अजय सिंह के साथ आया। अजय, आप बताएं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो जब चले थे तो बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन आज जब आप गिरे हैं उसके बाद से तो मेरी भी हिम्मत अब पस्त हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब आगे क्या, बस ऊपर वाला ही पहुंचा सकता है। क्या लग रहा है उस दृश्यम तक पहुंच पाएंगे? उम्मीद है, दुनिया कायम है तो हम कोशिश पूरा करेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसी इत्मीनान के साथ हमने आज की रात भी गुजारी। लेकिन इस बात का हमें अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास का पैर बुरी तरह जख्मी था, एक एक कदम बढ़ाना नामुमकिन हो चुका था। ना कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई इंसानी बस्ती। सोचा वापस लौटा जाए। लेकिन श्रीनिवास का जज्बा जख्मों से कहीं ज्यादा बड़ा था। फैसला किया आगे के सफर पर टीम बिना श्रीनिवास के जाएगी और उस नंदी सरोवर को, प्राचीन काल के उन हथियारों को बर्फ की चादर के बीच से खोज कर लाएगी। मिशन बहुत मुश्किल था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। जिस्म गला देने वाली ठंड के बीच हमारी टीम ने 6 किलोमीटर की चढ़ाई की। पहाड़ की चोटी पर आए तो हमें नंदी कुंड यानी उस अदृश्य सरोवर की पहली झलक दिखाई दी। तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे था। सरोवर का पानी बर्फ बन चुका था। चारों तरफ ऐसा अंधेरा मानो रात होने वाली हो। हमारी टीम इस बर्फीले तूफान के बीच उन प्राचीन हथियारों की तलाश में जुट गई। और कुछ देर बाद ही कुछ दिखा। हमें अपनी मंजिल मिल चुकी थी। कुछ चट्टानों के बीच वाकई कुछ प्राचीन हथियार रखे थे। शायद यहां आए कुछ साधु संतों ने, कुछ पर्वतारोहियों ने उन हथियारों की पूजा भी की होगी। अलग अलग तरह की भारी भरकम तलवारें, फरसे, तीर कमान, बहुत कुछ था। ये बहुत ही वजन है, बहुत ही वजन है। ये पांडवों का हथियार है। ऐसा माना जाता है कि ये पांडव लोग यहाँ पर हथियार रखे हैं। ये हमने यहाँ पर पहुँच के दिखाने की कोशिश करी है। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ तक कोई कम ही लोग पहुँच पाते हैं। हमने इन हथियारों को जी भर कर देखा था और आप भी पूरी तसल्ली से देखिए। हम नहीं जानते थे कि ये हथियार किसके हैं, किस काल के हैं, लेकिन देखने में लगा
कि ये अपने मौलिक रूप में नहीं थे। हथियारों पर लगी जंग बता रही थी कि ये सदियों से यहीं मौजूद हैं। हथियारों की बनावट वैसी ही लग रही थी जैसी प्राचीन दंत कथाओं में बताई गई है। सोचा इन हथियारों का सच बाद में किसी पुरातत्व वैज्ञानिक से समझ लेंगे, फिलहाल हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी यहां तक पहुंचना, देश के एक अदृश्यम को दृश्यम बनाना। ज्यादा देर तक यहां रुकना हमारे लिए संभव नहीं था, इसलिए हथियारों की पूरी वीडियोग्राफी के बाद हम नीचे लौट आए। के दो सदस्यों की जख्मी हालत के बीच हमारे लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करना मुश्किल था। राशन खत्म हो चुका था और मेडिकल सहायता की सख्त जरूरत थी। पैदल लौटते तो वापस नहीं पहुंच पाते, बर्फीले तूफान में फंसकर रह जाते, इसलिए हमने भारतीय वायुसेना, एसडीआरएफ और आईटीबीपी से मदद मांगी। और मौसम साफ होते ही वायुसेना के जाबाज हमारे लिए फरिश्ता बनकर आ गए। हम खुश थे कि सही सलामत वापस लौट आए, लेकिन उससे भी बड़ा सुकून था कि हम वहां तक पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा, और देश के सामने उस दृश्यम को, उस कहानी को लेकर आए जिनकी कुछ दिन पहले तक हमने भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सवाल अब भी बाकी था कि नंदी कुंड में रखे उन हथियारों का सच क्या है। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमने नंदी कुंड और वहां मौजूद शस्त्रों की जानकारी भारतीय पुरातत्व विभाग को दी। जैसा कि आपने देखा कि कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस अदृश्यम को दृश्यम बनाने में हमें सफलता मिली, लेकिन अभी भी एक सवाल कायम है। जैसा कि स्थानीय लोग सोचते हैं कि ये हथियार पांडवों के हैं, क्या पुरातत्व विज्ञानी भी ऐसा ही सोचते हैं या उनकी राय कुछ अलग है? कहानी के वैज्ञानिक पक्ष का पता लगाने हम भारतीय पुरातत्व विभाग के पूर्व एडीजी डॉक्टर बीआर मणि के पास पहुंचे। उन्हें नंदी कुंड और अस्त्र शस्त्र की तस्वीरें दिखाई और समझा कि हमने जो देखा वो क्या था। लेकिन जहां तक इन हथियारों की बात है, विशेष तौर से मैं चर्चा करना चाहूंगा जो कुछ थोड़ी तलवारें मैंने चित्र में देखी, उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास की तलवारें हैं। ये संभव है कि इनको कुछ योद्धाओं से संबंधित हो सकती हैं जो इतनी अधिक ऊंचाई पर बर्फ में, हो सकता है किसी आपदा के कारण मारे गए हों और उसके बाद उनके हथियारों को एक स्थान पर एकत्रित किया गया हो। पाँच हजार साल पुराने विशेष तौर से लोहे के हथियार नहीं हो सकते, क्योंकि लोहे का प्रचलन लगभग आज से 3000 या 3500 वर्ष पुराना ही है, लेकिन महाभारत का काल निश्चित रूप से 5000 वर्ष पूर्व का जाता है। और हथियारों की बनावट को देख करके, काफ़ी बड़ी तलवारें हैं, उनकी बनावट को देख करके ऐसा लगता है कि मध्यकाल की। अपनी तसल्ली के लिए हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शशांक से भी बात की जो भूगर्भ शास्त्र के जानकार हैं। मैं तो पहले आपके साहस को मानता हूँ कि इतने ऊपर गए आप और जान को जोखिम में डालकर इस चीज को खोजा, तो वहां कोई तो गया था ना।
हो सकता है यह पांडवों से रिलेटेड है, हो सकता है कि उस पगडंडी पर पांडव काल के बाद और राजाओं ने भी चला हो जिनकी हिंदू धर्म में आस्था हो। आस्था पर कोई तर्क नहीं होता और वैज्ञानिक यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। रही बात वैज्ञानिक पक्ष की, तो इतना जरूर बताया गया कि ये हथियार मध्यकाल के हैं, क्योंकि 5000 साल पहले लोहे के हथियार होना नामुमकिन है। 5000 साल की बात करें तो लोहा जो आयरन है वह तो नहीं टिक सकता है। अगर यह 5000 वर्ष टिका तो यह कोई बेहतरीन अलॉय है, तो या तो एक उत्तम साइंस था उस समय का जो एक बेहतरीन अलॉय है जो इतने दिनों तक टिक गया, आयरन नहीं हो सकता है। हमारा मकसद किसी के विश्वास को चुनौती देना नहीं था, हम उस मिशन पर निकले थे कुछ ऐसा देखने जो दूर से दिखाई नहीं देता, एक ऐसे हिंदुस्तान को खोजने जो अब तक हिंदुस्तान की नजर से दूर है। ये जिद, ये कारमा जारी रहेगा, चुनौतियां फिर मिलेंगी, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन खोज कर लाएंगे हम एक नया दृश्यम।